अब हम रूपांतरण गुणधर्म देखते हैं। इसमें हम पहला लेते हैं, 2 tan inverse x = sin inverse of 2x upon 1 plus x square, जहां mod of x। दूसरा रूपांतरण है 2 tan inverse x = cos inverse of 1 minus x square upon 1 plus x square। ये ध्यान रहे बच्चों, जहां mod of x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। और तीसरा गुणधर्म है 2 tan inverse x = tan inverse of 2x upon 1 minus x square, जहां -1 is less than x is less than +1। अब तीनों गुणधर्म को देखिए बच्चों, ये रूपांतरण गुणधर्म कहलाता है। इसमें आप देख रहे हैं सभी 2 tan inverse x है, पहले वाले में साइन इनवर्स के रूप में, दूसरा कॉस इनवर्स के रूप में, तीसरा टेन इनवर्स के रूप में रूपांतरित। तो हम इन फार्मूला को या इस गुणधर्म को कैसे प्राप्त करेंगे, तो मैं एक इनमें से एक कोई लेता हूं, जैसे थर्ड वाला ले लेता हूं। इसको हम हल करके देखते हैं, 2 tan inverse x = tan inverse of 2x upon 1 minus x square। तो चलिए इसमें हम मान लेते हैं, माना कि tan inverse x = थीटा। तो यहां पर थीटा जो है tan inverse x का आउटपुट है बच्चों, यानी रेंज है। तो इसका रेंज आपको याद रखना है, tan inverse x यानी tan inverse फलन का रेंज ओपन इंटरवल -π/2 to π/2, देन थीटा बिलोंग्स टू -π/2 to +π/2। ठीक है, चूंकि ये एकीय आच्छादक है इसलिए इसको लिखा जा सकता है x = tan θ। अब हमें त्रिकोणमिति फलन का सूत्र मालूम होना चाहिए, tan 2θ का फार्मूला क्या होता है, tan 2θ = 2 tan θ upon 1 minus tan² θ। ये ध्यान रखने बच्चों। अब हम therefore tan of 2θ, ये सूत्र है, इसको याद रखना है, त्रिकोणमिति का सूत्र है, इसको आप याद रखें। अब इसका हम मान रखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, tan थीटा का मान क्या है x, तो ये हो गया 2x upon 1 minus tan² θ, माने x² ठीक है। देयर एम्प्लाइज एकैकी आच्छादक होने के लिए। अब यहां पर आपको जानना है, इसमें जो x है, जहां -1 is less than x is less than 1, ठीक है, इसके बीच का मान होना चाहिए, -1 और 1 के बीच का मान होना चाहिए। अब एकैकी आच्छादक होने के कारण इसको लिखा जा सकता है 2θ = tan inverse of 2x upon 1 minus x square। Therefore, थीटा का मान यहां से वापस रख दीजिए, θ = tan inverse x = tan inverse of 2x upon 1 minus x square। तो इस प्रकार से हम इसको सिद्ध कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से अन्य दो को आप स्वयं सिद्ध करेंगे। इसके लिए आपको फार्मूला 2 tan 2θ का जो फार्मूला, ये जो है इसको याद रखने बच्चों, टेन के रूप में, साइन के रूप में और कास के रूप में, तीनों फार्मूला आपको याद रखना है। ठीक है, साइन के रूप में याद रखेंगे tan 2θ = 2, और tan 2θ कास के रूप में भी आप याद रखेंगे, त्रिकोणमिति का फार्मूला है। तो ये शेष दोनों फार्मूला जो है
प्रूफ हो सकता है। तो मैं यहाँ पर बता दूँ कि जो दो फार्मूला उपयोगी है अन्य दो के लिए, जैसे इसके लिए आपको याद रखना है, फर्स्ट वाले के लिए साइन के रूप में फार्मूला आपको जानना है, तो साइन टू थीटा का फार्मूला टेन के रूप में आप याद रखें, टू टेन थीटा अपान वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और सेकंड के लिए आपको कॉस टू थीटा का टेन फॉर्म इज इक्वल टू वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपान वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो थर्ड वाले के लिए आपको ये फार्मूला इस्तेमाल करना है, टेन टू थीटा इक्वल टू एक्स अपन वन माइनस सॉरी टेन टू थीटा इक्वल टू टेन थीटा अपन वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा। फिर फर्स्ट वाले के लिए इसका इस्तेमाल करना है, फर्स्ट वाले के लिए, और सेकंड वाले के लिए इसका इस्तेमाल करना है, ये ध्यान रखना है बच्चों, ठीक है। कभी कभी इसी का ये गुणधर्म कॉट इनवर्स वाला ये भी बड़ा उपयोगी होता है, इसको भी आप याद रख लेंगे, ये योग गुणधर्म के रूप में है, कॉट इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स ऑफ वाई इज इक्वल टू कॉट इनवर्स ऑफ एक्स इंटू वाई माइनस वन अपॉन वाई प्लस एक्स। ठीक इसी प्रकार से इसमें कॉट इनवर्स ऑफ एक्स माइनस कॉट इनवर्स ऑफ वाई इज इक्वल टू कॉट इनवर्स ऑफ एक्स वाई प्लस वन अपन वाई माइनस एक्स, ये याद रख लीजिए। और इनको सिद्ध करने के लिए जो उपयोगी सूत्र है इसको आप याद रखें, इसको जैसे आपको सिद्ध करना है तो कॉट ए प्लस बी और कॉट ए माइनस बी का फार्मूला आप याद रखें, कॉट ए प्लस बी इज इक्वल टू कॉट बी इंटू कॉट ए माइनस वन अपॉन कॉट बी प्लस कॉट ए, ये याद रखें। और वैसे ही कॉट ए माइनस बी, इसको साइन को इंटरचेंज कर दीजिए, कॉट बी इंटू कॉट ए प्लस वन अपॉन कॉट बी माइनस कॉट ए। ठीक बच्चों, ये दोनों सूत्र से आप इसको प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। आप इनमें से जैसे पहला वाला सिद्ध करना है तो ये वह फार्मूला लिखिए, इसको कोण ए मानिए, इसको कोण बी मानिए, ठीक है, कॉट ए प्लस बी फार्मूला लगाइए, मान रख दीजिए, जवाब मिल जाएगा। तो आप इसको स्वयं सिद्ध कर सकते हैं बच्चों। बच्चों अब हम योग और अंतर का जो सूत्र आपने टेन इनवर्स और कॉट इनवर्स के लिए जो किया है, इसी प्रकार से हम साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स के लिए भी करेंगे। ये योग और अंतर गुणधर्म के अंतर्गत है। जैसे साइन इनवर्स में योग गुणधर्म, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ एक्स इंटू रूट ओवर वन माइनस वाई स्क्वायर प्लस y इंटू रूट ओवर वन माइनस एक्स स्क्वायर। इसी में इसका अंतर यानी क्या, इन दोनों का योग एक कोण के रूप में, इन दोनों कोणों का योग एक कोण के रूप में कैसे लिखेंगे, ऐसे इसका अंतर साइन इनवर्स ऑफ x माइनस साइन इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x इंटू रूट ओवर वन माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई इंटू रूट ओवर वन माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक इसी प्रकार से कॉस का भी है, कॉस इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कॉस इनवर्स ऑफ वाई, इसको भी हम एक कोण के रूप में लिख सकते हैं, कॉस इनवर्स ऑफ एक्स इंटू वाई माइनस रूट ओवर वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट ओवर वन माइनस वाई स्क्वायर। और इसका माइनस है कॉस इनवर्स ऑफ एक्स माइनस कॉस इनवर्स ऑफ वाई इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ एक्स वाई यानी एक्स इंटू वाई प्लस रूट ओवर वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट ओवर वन माइनस
वाई स्क्वायर। अब ध्यान रहे बच्चों, इसको आपको याद रखना है किस प्रकार से आ रहे हैं। यदि एक बार इसको सिद्ध कर लेंगे तो कहाँ प्लस आता है और कहाँ माइनस आता है ये दिमाग में आ जाएगा। जैसे हम इसका एक प्रूफ करते हैं, पहला वाला प्रूफ करते हैं, ठीक है, सिद्ध करते हैं फर्स्ट वाला। तो हम इनमें से पहला कोण को ए मान लेते हैं। माना कि साइन इनवर्स एक्स को ए मान लेते हैं और साइन इनवर्स वाई को बी मान लेते हैं, और तब एक एक ही आच्छादक होने के कारण इसको लिखा जा सकता है एक्स इक्वल टू साइन ऑफ ए एंड वाई इज इक्वल टू साइन ऑफ बी। अब इसमें साइन के लिए योग सूत्र लगाना है, साइन ए प्लस बी का फार्मूला लगा दो। साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस ऑफ बी प्लस कॉस ऑफ ए इंटू साइन ऑफ बी, इस प्रकार से। अब चूंकि मान जो है एक्स और वाई में मान जो है साइन ए साइन बी के रूप में है, कॉस बी का मान और साइन बी का मान आप निकाल लीजिए, तो साइन ए इंटू सर्वसमीका से आप कॉस बी को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, क्योंकि साइन बी पता है कॉस से पता नहीं है, तो इसको रूट ओवर क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन ऑफ बी। अब साइन ए क्या है, एक्स है, एक्स इंटू रूट ओवर 1 माइनस कॉस बी, साइन ए कॉस बी, कॉस बी का तो हो गया रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर बी। अब साइन बी का मान रख दो, साइन बी का मान कितना है, ठीक है, वाई प्लस रूट ओवर 1 माइनस साइन ए का मान रख दो यहाँ पर एक्स, तो एक्स का स्क्वायर और साइन बी है वाई। अब इसको अरेंज करके लिख लो, देयरफॉर साइन ऑफ ए प्लस बी मिलेगा एक्स इंटू रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देयर एम्प्लाइज एक एक ही आच्छादक होने के कारण आप इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ एक्स इंटू रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। पुनः ए और बी का मान रखिए बच्चों, ए का मान है साइन इनवर्स एक्स और बी का मान है साइन इनवर्स वाई, तो ये हो जाएगा आपका देयरफॉर साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ एक्स इंटू रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस प्रकार से इसको आप बच्चों सिद्ध कर सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से आप अन्य जो तीन जो शेष हैं उसको आप स्वयं सिद्ध कर सकते हैं। इसके लिए जो उपयोगी फार्मूला है मैं यहाँ पर नोट करा देता हूँ बच्चों, इसके लिए जो उपयोगी सूत्र है मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। इसका उपयोग करके आप शेष योग और अंतर का जो सूत्र है उसको स्वयं सिद्ध करेंगे। जैसे कि साइन ए प्लस बी आपको बताया जा चुका है, साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, इसको आप याद रखें। फिर साइन ए माइनस बी याद रखें इज इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस ऑफ बी माइनस कॉस ए इंटू साइन ऑफ बी। फिर है कॉस ऑफ ए प्लस बी, इसके लिए फार्मूला याद रखें, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, इसको याद रखें। और चौथा कॉस ए माइनस बी के फार्मूला को याद रखें, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। तो इन चारों फार्मूला से हम इन चारों जो गुणधर्म है उसको हम सिद्ध कर सकते हैं। तो ये त्रिकोणमिति के चारों सूत्र को आप याद रखिए, ठीक है बच्चों।